सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग आए सभी खुश होंगे। तो मैं आपको दो स्टार गेम शेयर और गेम शुरू करता हूँ। तो भाई जैसे कि आप सभी लोग पता ही है, अभी मेरा हुआ यहाँ पर जॉब चल रही थी और आज संडे था, तो मैंने सोचा कि जॉब 9 to 5 तो चलता ही रहता है रोज ही, तो आज फिर मैं घूम ले जाए थोड़ा मज़े कर लिया जाए। तो अभी दोस्तों के साथ में थोड़ा घूमने का प्लान बना था, बट अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनका, और 2-3 जगह घूमने का प्लान बना है। तो आप भी चलो हमारे साथ एक छोटे से जर्नी, और ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटा सा 5 मिनट का या 6 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और आपको थोड़ी सी दिल्ली की चीज़ें दिखाऊँगा जो आपने शायद देखी ना हो गाँव वालों में, या जो दिल्ली वाले हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने शायद देखी हो या देखी ना हो, या आपने फैमिली के साथ अभी विजिट किया था। तो दोबारा से मेरे साथ इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ चलिए। भाई एक गली आ तो की है लेकिन वो आगे वाले गेट पर चली गई, तो अभी उसको लेने जा रहा हूँ। नई वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस वी आर फाइनली नाउ इन राजीव चौक, और अभी थोड़ी देर में शायद हम पहुँचने वाले हैं अग्रसेन की बावड़ी करके कुछ रहते हुए। मैं भी फर्स्ट टाइम मैंने मूवीज़ में ही देखा है, कुछ क्लिप्स ये रही जो दिखा रहे और बाकी कौन तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपन अग्रसेन की बावड़ी। तो भाई जो ना हमको इंटरनेट पर दिखता है कि भाई इधर आके हमको खाने वाले मिलेगा, एकदम से एक्सपेक्टेशन होती है कि फोटो वोटो खिंचाने के लिए मिले, लेकिन हमारे तरफ और लोग भी यही सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे मैं अंदर घुसा ना, मेरे को बोला अलग से चीज़ देखी, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं एंटर हो गया, देख रहे बिल बनाते पीछे। अच्छा दो कर लो, आप उठा लो, तुम भी उठा लो दो, पीछे देखो आप। मैं कौन सा बोरा दिख रहा हूँ? शुभ नाम सर। फाइनली अब थोड़ा बहुत फोटो शूट करने के बाद और देखने घूमने के बाद अभी हम यहाँ पर से जाते, बस उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती, और छोटा सा ब्लॉग था, नॉर्मली हम डेडिकेटेड वीडियो बना नहीं रहे थे, तो नॉर्मल से एक ट्रैवल रिलेटेड वीडियो था, तो अभी चल रहे बिकॉज ऑफ भूख बहुत ज़्यादा लगती। तो चलो भाई देख ही रहे हो, भीड़ देख ही रहे हो, भीड़ होती है ना दबा के। ठीक है, हेलो गाइस, अब हम यहाँ आ गए हैं जंतर मंतर, ये इसकी एंट्री गेट है, और ये बाहर बेचारे आइसक्रीम खाते हुए पकड़े गए हैं, ये देखें इनको, हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि आपको भी आइसक्रीम खानी नहीं खानी, नहीं चाहिए ऐसी फॉर्मेलिटी, बट क्लीन नहीं आ रही अभी। सो गाइस फाइनली अभी जंतर मंतर में पहुंच चुके हैं, और इधर एक ना बहुत ही मतलब फेमस चीज़ है जो बोलते हैं कि मतलब पहले के टाइम पे टाइम का एकदम मेजरमेंट जो होता था उसका सही टाइम बताते थे पुराने लोगों को। अब मुझे नहीं पता कि उसमें करते थे क्या, थे कैसे करते थे, बट अभी देखूंगा अपने आंखों से। तो और मुझे टाइमिंग वाली बात मुझे जस्ट अभी पता चली है इनके साइड से, अदरवाइज मुझे नहीं पता था। और देखिए हम आइसक्रीम बस कहते हैं ना, इतनी सी आइसक्रीम बचाइए मेरे लिए, वो भी मेरी कजन ने।
डीओपी वुमेन डीओपी आप तरफ से लाते हैं वेनम लाइन वगैरह जैसे आप करते हैं चलो करें मिस हायर मिस हायर अच्छा हमसे बोली थी फोटो लेने करके शेट तो भाई जो ये क्या बोलते हैं आप पीछे ये मेजरमेंट टाइप का बना कोई आकृति टाइप की बनी इसे मिस्र यंत्र नाम दिया गया और इसके बारे में बोला जाता है कि उस टाइम पे ना जब घड़ी वड़ी हुआ नहीं करती थी तो उस टाइम पे ये एज ए टाइम मतलब दर्शाता था आजकल घड़ी टाइम बताती है वैसे टाइम बताती है और पता नहीं मुझे पता नहीं है कि टाइम कैसे बता इसकी मेजरमेंट कैसे नाप था बहुत सारी चीज़ें और मतलब क्या ही मतलब भी क्या होगा उस टाइम का सोचते थे और ये भी अभी मतलब खंडित अवस्था में बोलते कि मतलब पूरा ही ये जो स्ट्रक्चर है अभी पूरा नहीं टूटा हुआ है और जो दो बजे थे उस भाई ज़्यादा कुछ तो देखने के लायक है नहीं इधर बट यही है कि ये क्या लिखा है 1960 में इसे बनाया था उसका जिले हर्षन 1900 मेजर जनरल ने बनाया था भाई ये भी किसी ने बनाया होगा उस टाइम घड़ी तो सबके पास थी नहीं अच्छा वैसे वहाँ थोड़ी जा रखे हम वो तो जाने जो आपके टाइम तो भाई अभी सौ रुपये घूम लिए आपको क्या हुआ हाँ मैं तो कर ही रहा हूँ और लास्ट में चल फोटो भी खींच कर वीडियो बना दी